हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी के बारे में। ये हमारा आईसीटी से रिलेटेड दूसरा वीडियो है और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है, इसके अंदर हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, आईसीटी में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आईसीटी में और कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों एक बात और बताऊं मैं आपको, काफ़ी दोस्त कहते हैं कि हमारी जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। दोस्तों वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप वीडियो के साइड में जो ऊपर सबसे ऊपर राइट साइड में ऊपर थ्री डॉट आपको दिखाई देंगे, वहां पे क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, अपना रेजोल्यूशन है वो बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर आप 480p या 720p कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। तो आज हम बात करने वाले हैं फुल फॉर्म्स के बारे में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। आईसीटी के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, यही मैं आपको आज दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जून 2012 के क्वेश्चन पेपर से शुरुआत करते हैं। इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने ASCII के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार आ चुका है, पहले भी आ चुका है, तो इसके जब मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंदर तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ASCII का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। और यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है दोस्तों, वो ना इन्फॉर्मेशन के अंदर या इंटरचेंज के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क कर देंगे, तो ये एक एक बारीकी से इसे हमें समझना है ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो तभी हम अच्छे से आंसर दे पाएंगे, नहीं तो वो छोटे से नाम में भी हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं आगे किस तरह से ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। ये देखिए दोस्तों, अब दिसंबर 2012 के अंदर रिपीट हुआ है ALU की इन्होंने एक फुल फॉर्म पूछ ली, ये होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो यानी कि फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है। तो और देखते हैं हम, ये देखिए जून 2013 के अंदर इन्होंने फिर पूछ लिया WWW स्टैंड फॉर, यानी कि WWW का अर्थ क्या होता है। तो ये हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इंटरनेट चलाने में काम आती है ये, ठीक है। तो और हम देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। ये देखिए सितंबर में दोबारा 2013 का पेपर हुआ था, तो उसके अंदर हम देखते हैं, ये देखिए इन्होंने GIF का पूछ लिया, तो इसका मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, और इसमें से क्या करेंगे वो एक नाम को आगे पीछे कर देंगे तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देंगे वो, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। और देखते हैं हम और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब देखिए जून 2014 के अंदर हुआ ये AFT के बारे में इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार ये फुल फॉर्म्स पूछ रहे हैं, तो फुल फॉर्म करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और देखते हैं हम आगे कहाँ पर रिपीट हुए हैं ये। अब ये देखिए इन्होंने दिसंबर 2014 के अंदर पूछ लिया, CSS की फुल फॉर्म पूछ ली, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और इसी के साथ ही इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछ लिया MOOC का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यानी कि इन्होंने इसकी फुल फॉर्म पूछ ली, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है, ठीक है। और देखते हैं हम, तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी, तो हर बार हर ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो फुल फॉर्म करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने 2012 से लेकर 2018 तक के अपने जितने भी पेपर हैं उनकी अलग अलग PDF बना रखी है, जैसे कि कम्युनिकेशन की अलग बना रखी है। 2012 से लेकर 18 तक कम्युनिकेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अलग है, ICT के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अलग है,
ठीक है, रिसर्च के जो आए हैं वो अलग है, यानी कि हर एक टॉपिक अपना पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है। उनकी जो पीडीएफ है मैंने अलग अलग बना रखी है, जिसको पढ़ के आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे हैं और किन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई दोस्त वो पीडीएफ लेना चाहे तो वो हमसे ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और दोस्तों उसकी कुछ सामान्य कॉस्ट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, जुलाई 2016 के अंदर ये क्वेश्चन है 40 नंबर 6, इसके अंदर भी इन्होंने ASCII के बारे में पूछ लिया, जो पहले भी आया था। ठीक है, चलिए मैं इसका वो इंग्लिश में दिखाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ASCII, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम और देखते हैं कि कैसे रिपीट हुए हैं ये। अब देखिए अगस्त 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन है, इन्होंने HTTP के बारे में पूछ लिया है। तो इसके बारे में ज़्यादातर पता होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं आपको कि इन ये जो फुल फॉर्म है अपनी ICT से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म है उसका मैंने नोट्स भी बना रखा है, वो नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, इसमें देखते हैं कैसे रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39 USB, इन्होंने USB के बारे में पूछ लिया। तो हम सभी को पता है कि यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका मतलब। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका जो नोट्स मैंने बना रखा है वो दिखाता हूँ, और वो नोट्स आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, और वो आप कैसे ले सकते हैं उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो नोट्स ही दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी वेबसाइट nimiji.net पर फुल फॉर्म से रिलेटेड नोट्स डाला हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ICT से रिलेटेड जितनी भी अपनी फुल फॉर्म है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को। ये देखिए, ये जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है ASCII की इन्होंने फुल फॉर्म दी है, ALU की दी है। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी तरह की है, कैटेगरी वाइज डाल के, जैसे B की कौन कौन सी है, C की कौन सी है, ठीक है, D की कौन कौन सी होती है, DSL जैसे दिया हुआ है, DVD दिया हुआ है, DVD से रिलेटेड भी एक बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, और ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं हम सभी के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें फुल फॉर्म दी हुई है। पहले तो इसमें हमने क्या किया है कि A से लेके Z तक अपने जितने भी अक्षर होते हैं उनसे रिलेटेड जो जो फुल फॉर्म होती है ICT के अंदर, वो मैंने इसके अंदर डाली हुई है। तो अगर ये आप लेना चाहो तो हमारी वेबसाइट nimiji.net को विजिट करके ले सकते हैं, और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और दोस्तों ये जो नोट्स आप PDF फाइल में भी ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप ले सकते हैं PDF फाइल में। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, फिर आगे इसके अंदर काफ़ी तरह की फुल फॉर्म है, और ये देखिए अपनी सारी फुल फॉर्म मैंने दी हुई है यहाँ पे। और ये देखिए रिलेटेड टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन कौन सी होती है ये मैंने दी है यहाँ पे ये। और फिर हमने नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी है वो दे रखी है, यानी कि यहाँ पे आपको ICT कंप्यूटर से रिलेटेड सारी ऑल टोटली फुल फॉर्म है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप इन फुल फॉर्म को अच्छे से कर लेते हो तो आपके 2 नंबर पक्के हैं दोस्तों, 2 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए, ये 2 नंबर आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे PDF में कैसे ले सकते हैं। आप जब इस आर्टिकल को, इस पोस्ट को पूरा पढ़ोगे तो नीचे आपके ये देखिए, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि नोट्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो जब आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे, इस
नोट्स को पूरा पढ़ोगे तो नीचे ये इमेज आपको दिखाई देगी, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके ये जो हमारा जो ये नोट्स है आईसीटी का, ये डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा, आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये नोट्स बिल्कुल फ्री है, और अगर आपको हमारा वो नोट्स चाहिए जिसके अंदर हमने सभी टॉपिक वाइज अलग अलग पेपर कर रखे हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन के अलग है 2012 से लेके 18 तक, और रिसर्च के अलग है, टीचिंग के अलग है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे जुलाई 2018 में इस पीडीएफ से आए थे 18 क्वेश्चन, इसके ऊपर क्लिक करके वो पीडीएफ ले सकते हैं। और इस पीडीएफ का जो लिंक है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, आप वहाँ से भी ये पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम हर रोज़ 4 बजे से लेकर 5 बजे तक वीडियो डालते हैं पेपर फर्स्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।